से मुखातिब करा देते हैं। दौसा में एसीबी की भरतपुर में बड़ी कार्रवाई, दौसा एसीबी की ये भरतपुर में बड़ी कार्रवाई है। डीटीओ दिलीप कुमार को एसीबी ने दबोचा है, साथ में बाबू अनिल दलाल कपिल को भी दबोचा है। एसीबी ने 37,200 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। एसीबी एडिशनल एसपी महेंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर एसीबी की ये कार्रवाई है। दौसा एसीबी की भरतपुर में ये कार्रवाई नजर आई है। डीटीओ दिलीप कुमार को एसीबी ने दबोचा है, साथ में बाबू अनिल और दलाल कपिल को भी दबोचा है। एसीबी ने 37,200 की रिश्वत लेते हुए इन दोनों को ट्रैप किया। नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने की एवज में ये घूस ली गई थी। तो एसीबी एडिशनल एसपी महेंद्र शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि अब कार्रवाई हुई है, ट्रैप किया गया है। इस ट्रैप के बाद आगे की जो जानकारी है, सवाल जवाब किए जाएंगे, तो और तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी बाबू अनिल और साथ ही में दलाल को पकड़ा गया है। तो ये दलाल इसके अलावा कितने लोगों को जो है इस तरह से रुपए लेता था, रिश्वत राशि तो है, मीडिएटर के तौर पर कार्य करता था, वो तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। और कितने ऐसे लोग जिनसे ये राशि इस तरह ली जा चुकी है, और अभी जो राशि ली गई है क्या ये इंस्टॉलमेंट में है या पूरी राशि इस तरह ही मांगी गई थी, वो तमाम सवाल जवाब अब एसीबी करेगी। तो ये एसीबी की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। एसीबी ने 37,200 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है, और नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। क्या इसके अलावा भी इस तरह की घूस पहले इन्होंने ली है, और कौन कौन सी शिकायत क्या एसीबी के बाद पहले से आ चुकी है, वो तमाम सवाल जवाब जो है अब एसीबी करने वाली है। हालांकि क्योंकि ये बाबू अनिल और दलाल कपिल जिसे दबोचा गया है, अब ये क्या इनको घर पे ये इस तरह रिश्वत ले रहे थे, ऑफिस में थे, और अगर ऑफिस में तो वहां पे कागजात भी होंगे, उन तमाम चीजों को भी शामिल किया होगा एसीबी ने। तो वहीं अगर घर पे होंगे तो घर पर इस तरह जो कार्रवाई हुई होगी, अब तमाम जो घर में खंगाला जाएगा, कागजात हो या फिर किस तरह से और धनराशि हो, वो तमाम चीज़ें अब ऑफिस हो या घर हो, हर जगह पर एसीबी छानबीन करेगी। क्योंकि ट्रैप किया जा चुका है, और अब इस ट्रैप के बाद क्या कुछ और सामने आता है, कितनी राशि सामने आती है, इससे पहले और जितनी रिश्वत की राशि ली होगी, उन तमाम चीज़ों का भी लेखा जेखा जो वो भी देखा जाएगा। वो पूरा ब्यौरा जो है वो अब एसीबी जानेगी, पूछेगी, और ये चीजें सामने आएंगी। तो डीटीओ दिलीप कुमार को एसीबी ने दबोचा है, साथ में बाबू अनिल और दलाल कपिल को भी दबोचा है। तो डीटीओ, बाबू और साथ ही साथ दलाल, ये पूरी चेन जो है इस तरह से कार्य कर रही थी। तो क्या ये दलाल के साथ में और भी कोई लोग थे जो ये मीडिएटर के तौर पर काम करते थे? बाबू जो है वो यहाँ पर था, जो कि डीटीओ के पास तक राशि जाती थी। तो डीटीओ और बाबू क्या ये मिलकर इस राशि का बंटवारा करते थे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि अभी डीटीओ को पकड़ा है तो ये बड़ा सवाल हो जाता है, बड़ी बात हो जाती है। 37,200 रुपए की ये रिश्वत ली गई, और नवीन हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ गए। नवीन, क्या जानकारी है? डीटीओ को ट्रैप किया गया है, साथ ही साथ बाबू और दलाल, ये तीनों को एक साथ ट्रैप किया गया? देखिए बिल्कुल, एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तीन घूसखोरों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके अंदर जो डीटीओ है दिलीप कुमार, उनको साथ ही उनका जो बाबू है अनिल और दलाल कपिल, इनको एसीबी ने 37,200 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई दौसा एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं महेंद्र शर्मा, उनके द्वारा की गई है। डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं, एक परिवादी एसीबी के पास पहुंचा था, उसने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नई गाड़ियां थी, उनका रजिस्ट्रेशन करना था, उस रजिस्ट्रेशन करने की एवज में उससे घूस की डिमांड की जा रही थी। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया था, और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो तीनों घूसखोर हैं, डीटीओ दिलीप कुमार, बाबू अनिल और दलाल कपिल, इन तीनों को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, और इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। जो सूचना ये भी मिल रही है कि जो डीटीओ है दिलीप कुमार, उसके आवास पर एसीबी की टीमें पहुंच चुकी है, घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। एसीबी ने मौके से कुछ दस्तावेज और कुछ फाइलों को भी जब्त किया है, उनके आधार पर ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो घूसखोरी का काम है जो डीटीओ दिलीप कुमार है वो कब से कर रहा था। और लगातार परिवहन विभाग के अंदर एसीबी की टीम बैक टू बैक कार्रवाइयां करती आ रही है। कई पहले भी कई घूसखोरों को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, और उसके बाद आज फिर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तीन घूसखोरों को
रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए।